कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का तीसरा चरण फिलहाल जारी है। वहीं राजधानी जयपुर में कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों को छोड़कर राज्य सरकार के द्वारा लगातार लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, जिसके बाद राजधानी में रेस्टोरेंट्स और मिठाई की दुकानें अब धीरे धीरे खुलने लगी है। हालांकि सरकार ने अभी तक केवल टेक अवे और होम डिलीवरी की ही छूट यहाँ पर प्रदान की है। वहीं रेस्टोरेंट्स मालिकों ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि दुकान पर ग्राहकों की संख्या अभी कम जरूर है, बाकी फिर भी इक्का दुक्का ग्राहक खरीदने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट्स में संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन की तमाम इंतजाम किए गए हैं। राजधानी जयपुर के प्रमुख रेस्टोरेंट्स और मिठाई की दुकानों का जायजा लिया हमारे संवाददाता हनुमान सिंह चारण ने। लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान सरकार की तरफ से लगातार कई तरह की दुकानों को छूट दी जा रही है। अब सरकार ने जो है मिठाई और रेस्टोरेंट की दुकानें हैं वो खोलने के आदेश दे दिए। हालांकि रेस्टोरेंट के अंदर जो है टेक अवे और होम डिलीवरी का सिस्टम रखा गया है, यानी यहाँ पर बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, केवल आप यहाँ से पैकिंग कराकर घर ले जा सकते हैं या फिर होम डिलीवरी। अभी हम जयपुर के एक रेस्टोरेंट में पहुँचे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं लेकिन इक्का दुक्का ग्राहक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर खरीद रहे हैं। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाइडलाइन भी सरकार की जो गाइडलाइन शर्तों के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि गेट पर जो है एक व्यक्ति को बिठाया गया है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सैनिटाइजर रखा हुआ है और यहाँ जो भी व्यक्ति ग्राहक आएगा उसका जो है हाथ सैनिटाइज किया जाएगा, उसी के बाद अंदर आने दिया जा रहा है। इसके बाद जो है ग्राहक यहाँ पर जो है खरीद रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ ग्राहक भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सरकार ने जो परमिशन दी है मिठाई रेस्टोरेंट की, जो रेस्टोरेंट हालांकि बैठकर खाने की अनुमति नहीं है, कई दिनों से बंद थी, तो क्या ग्राहक आप खाएंगे, कैसे खाएंगे, कितनी सेफ्टी रखेंगे, किस तरीके से खाएंगे? नहीं, ये तो देखिए बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ये इन लोगों ने अपने आप को मेंटेन किया है। मैं पहले भी यहाँ लेता रहता था मिठाइयाँ वगैरह, आज खुली दिखी तो मेरा मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ लेने आया हूँ। बहुत अच्छा लगा इसको खुला देख करके, तो और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ये काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ग्राहक हालांकि पहले के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन धीरे धीरे ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे कोरोना का असर कम होगा वैसे वैसे जो है यहाँ पर ग्राहकों की संख्या भी बढ़ेगी। आप देख सकते हैं कि जो सरकार ने जो अनुमति दी है उसके मुताबिक टेक अवे और जो पैकिंग का सिस्टम रखा गया है या होम डिलीवरी आप कर सकते हैं मिठाई की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैक किया जा रहा है। इसके अलावा जो स्टाफ है होटल का वो जो है यहाँ पर पूरी तरीके से नियमों का पालन भी कर रहे हैं और जो है सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही यहाँ पर जो है पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ होटल के जो मालिक है वो भी है। सर बताएं किस तरीके की छूट दी गई है, छूट अभी सरकार की तरफ से होम डिलीवरी की छूट दी गई है और यहाँ से आप पैक करा के ले जा सकते हो तो उसकी छूट दी गई है। ये बड़ा सराहनीय कदम है क्योंकि हमारे ट्रेड से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, दूध उत्पादक भी हैं, लेबर भी हैं, तो लेबर जो जा रही थी लगभग आप समझ लीजिए जो चली गई, लेकिन जो अभी रास्ते में थे वो लोग भी वापस आ रहे हैं। मना करने के बावजूद लोग जा रहे थे लेकिन उनसे इंतज़ार नहीं हुआ, बोल भाई साहब कब खुलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो ये किया है बड़ा सराहनीय कदम किया है। तब क्या उम्मीद करते हैं, जो पुराने ग्राहक है वो कब तक कितना? आप ये देखिए रौनक जब बाज़ार के अंदर जब दुकानें खुलेगी, जब माहौल होगा, तो आप हिंदुस्तान जानते हो एक त्योहारों का देश है, तो अब जब भी कभी त्यौहार आएगा तो उसके बाद में सब चीज़ अपने रूटीन पर आ जाएगी और आप जानते हो यहाँ सब लोग धर्म कर्म सबसे जुड़े हुए हैं, तो ये प्राकृतिक आपको प्रकोप भी है वो यहाँ पर इतना असर नहीं करेगा। आपने हिंदुस्तान जो है त्योहारों का देश है और यहाँ पर प्राकृतिक प्रकोप या महामारी की जो त्रासदी है उसका असर जरूर खत्म होगा। आप और हम सब मिलकर जो है इस कोरोना को जरूर हराएंगे। अगर सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन के मुताबिक पालना करें तो जरूर कोरोना को हराया जा सकता है। कैमरा पर्सन नेमीचंद पाचाल के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV जयपुर।